देखते हैं चेक पोस्ट वाले तो नहीं कुछ कहते हैं। रोक सलाम हाँ अजनबी शेन जसीद है यहाँ पे जी अजनबी यहाँ पे खड़ा हो जाए पासपोर्ट दिखाता हूँ इनको इन्होंने जाने देना जल्दी वो दूसरे जो है ना बड़ी चेक पोस्ट वाले वो टाइम लगाते हैं पासपोर्ट इराक वीजा वो तो सर वालेकुम सलाम वो तो सर नासरिया नजफ नजफ मैं जाय चिबायाश चिबायाश زيارات السلام عليكم فوق احمد شلونك حبيبي طبعا انا اليوم تعب ما احنا اليوم شو نسوي؟ اقول لك واحد صيني جاء واحد صيني جاي من النجف رايح للناصريه جاي من تشبايش رايح للناصريه طلع النجف صيني مو حلو دراجه فرقوا على اللي بده واحد شلون يندل هذا شلون هاي يضحك عنده جانب يترجم يضحك ها ايه بدراجه واحده تبي يسلم عليك؟ يلا مشكور يا عليك يا عليك يا جولي بندا يا شكرا توصل بالسلامة ان شاء الله شكرا شكرا سريح سري؟ تستريح تفضل عندنا تفضل عندنا اوكي نعم ها مام شكرا بكين شكرا यहाँ की जो पुलिस है ना वो बड़ी मतलब उनका मिजाज जो है ना वो खुश मिजाज लोग हैं चल जी यार यहाँ पे फिर उन्होंने खड़ा कर दिया वालेकुम सलाम انت شنو صيني لو باكستاني باكستاني الباسبورت آلمان المانی پاکستانی پاکستانی اصلیت پاکستانی پاسپورٹ المانی حسن ابرار یس حسن ابرار انت وين هسه منين جيت چبایاش وين راح توصل چبایاش ناصریه نجف الفيزا دیکھے گا تو ملے گا نا السلام عليكم السلام تاريخ بس لحظه 22/8/83 دخوله 2022 وال شو اسمه تنتهي ب 7/5/22 7/5 شكرا الله وياك आगे से हाँ जी आगे से हमने राइट होना है यहाँ पे देख लिया नहीं तो मैंने सीधा निकल जाना था यहाँ पे जी लेफ्ट साइड पे आ गई है नासरिया की मस्जिद पुराने स्टाइल में बनाई है लेकिन मीनार जो है बड़े खूबसूरत लग रहे हैं इसके धूल मिट्टी से भरा पड़ा है इस टाइम शहर ना हवा में इतनी ज़्यादा मिट्टी है ना और ये बड़ी खूबसूरत रोड आई है यार नासरिया का जो खूबसूरत एरिया अभी हम उससे गुजर रहे हैं जितना मुझे नज़र आया उनमें से ये होपफुली आज हमारी जो अगली रोड होगी वो थोड़ी सी बेहतर होगी पीछे वाली जो थी वो वहाँ गुजारा था उसके ऊपर आप
मज़े से, मतलब ये कि थोड़ी स्पीड से नहीं जा सकते। हबीबी हबीबी, पाकिस्तान पाकिस्तान वेयर आर यू? पाकिस्तान, ईरान, इराक। अस्सलाम वालेकुम। और अलेमानी तमाम? ओके, यस। सो यहाँ पे जो दिए हमने 25,000 इराकी दिनार इसकी एंट्रेंस फी, जो कि बहुत ज्यादा बन जाती है यार, ये बन जाते हैं ऑलमोस्ट कोई 3,000 रुपया पाकिस्तानी को, 18-19 को डॉलर बन जाते हैं। इतना तो यूरोप में भी नहीं लेते यार। अब आगे जगह जो है ना, वो देखने के देखने के काबिल जरूर होने चाहिए, क्योंकि हमने इसके बड़े पैसे पे किए हैं। ये सामने जो आपको इमारत नजर आ रही है ना, बिल्डिंग ये है जी, सो ये है जी ज़िगुरात ऑफ उर, जो के सुमेरियन सिविलाइजेशन की रेमेन्स हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन यहाँ पे जो था तकरीबन 5,000 से लेके 7,000 तक, एग्जैक्ट नहीं पता कितने साल बन जाते, लेकिन बहुत पुरानी है। और इस जगह की काफ़ी इंपॉर्टेंस, एक तो ये बताता चलो कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और दूसरा इसके जो है वो 5 पार्ट्स हैं। एक है इसकी सेमेट्री, वो मेरे अभी राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे जो है ये है पैलेस, उसके बाद एक बड़ा टेम्पल आता है जो कि मेन यहाँ का टेम्पल है, और एक छोटा टेम्पल है जिसको इन्होंने काफ़ी अर्सा बाद जो है इनको मिला था, तो ये कोर्ट यार्ड है। तो 4 पार्ट ये, और 5वां पार्ट जो है वो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इधर पीछे जो है वो घर है, लेकिन वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, उसका पूरा रास्ता इन्होंने बंद किया। मैंने अपने गाइड से पूछा, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई रेनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने बंद किया हुआ। तो यहाँ पे जो आप पैलेस देख रहे हैं, इसका थोड़ा सा बताता चलो कि इस पैलेस में इन्होंने इवन के जो सीमेंट होता है वो यूज़ किया हुआ है, सीमेंट तो नहीं, अस्फाल्ट टाइप है। सीमेंट तो हम लोग अभी यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम पे अस्फाल्ट इन्होंने यूज़ किया, और दरमियान में बम्बू ट्री रखी थी ताकि अगर कोई जलसला वगैरह को अर्थक्वेक आता है तो उससे जो है ना वो प्रोटेक्शन मिल सके। दूसरा इस तरफ जो है ये है इनकी सेमेट्री, रॉयल फैमिली की सेमेट्री थी, तो इसका भी रास्ता बंद। बाकी मैं आपको जाके दिखाता हूँ जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो इनके टेम्पल थे वो चल के देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है जी छोटा टेंपल, एक्चुअली ये कोर्ट यार्ड था, यहाँ पे बिल्कुल जो है वो बड़ा टेंपल बना है, तो यहाँ से उसका रास्ता वगैरह जाता था। इधर जो आप पीछे देख रहे हैं ये आर्च, कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी या जो पहले बार आर्च बनाई गई थी वो ये है, जिस बिल्कुल इसके दरवाजे के ऊपर जो आप देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से अंदर से, क्योंकि अब तो रिमेन्स ही रह गई हैं, तो इंडियन जो है ना आप देख सकते हैं कि अंदर से किस तरह, तो उसके ऊपर जो लिखाई हुई है उसमें उन्होंने उस टाइम लिख दिया था अपनी हिस्ट्री वगैरह, ताकि कोई हज़ारों साल बाद कोई सिविलाइजेशन हम लोग जैसे जो है ना जब वो देखें तो उसके ऊपर जो है ना पता चल जाए कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। तो इनका जो किंग था ये उसके लिए बनाया था जी, और नाम था उनका। बाकी ये लोग जो इबादत करते थे वो करते थे मून की, चांद की। तो ये एक छोटा टेंपल है, और मेन जो है वो बड़ा टेंपल है, अभी हम उसकी तरफ जाते हैं और वो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर से रास्ता जाता था, लेकिन अभी जो है इसके बैक से कोई रास्ता नहीं जाता, हम उधर से जाते हैं मेन एंट्रेंस से। ला
ये है जी और कि जो ज़ैगुरात उसका मेन टेंपल जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो है, इसकी बनती हैं जी चार स्टेजेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सिर्फ जो है वो दो या ढाई स्टेजेस है ना वो जाके ऊपर बंदा देख सकता है, लेकिन फ्रंट पे इन्होंने एक तस्वीर लगाई, उसे आइडिया होता है कि किस तरह का बहुत ही खूबसूरत बड़ा ही इम्प्रेसिव टेंपल है देखने में। तो इसकी तकरीबन कुछ चार या पांच चार साइड्स हैं मेरे ख्याल में, एक दो तीन चार, बिल्कुल चार साइड्स हैं और कोई इसका जो है वो गेट नहीं है, तो वॉकिंग पाथ्स उन्होंने हर साइड से बनाए हुए थे। तो मुझे कुछ तो वॉकिंग पाथ्स यहाँ से नज़र आ रहे हैं जिस तरह आप ऊपर चढ़ के जाते, बाकी जो है जो फ्रंट पे तस्वीर बनी थी उससे हो गया था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज किया गया था उसमें जी ईंटें और एस्फाल्ट जो है वो आपको अभी भी देखने को मिलेगा कुछ जगहों पे, क्योंकि ईंटें जो है वो बाहर निकली हैं तो अंदर से एस्फाल्ट जो है वो नजर आता है। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ इस पूरे एरिया को देख के और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। बस थोड़ी सी डिसअपॉइंट है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो घर है जो मैं देखने के लिए यहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि वो किस जगह पे, लेकिन मुझे ये पता था कि वो यहाँ पे है तो वो भी देख सकते थे, लेकिन वो उन्होंने बंद किया तो नहीं देख सकते। हो सकता है कि जब आप विजिट करने के लिए हैं तो शायद आपको इजाज़त मिल जाए तब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी यहाँ से निकलते हैं। खुदा हाफिज। काफ़ी टाइम यार यहाँ पे लग गया। एक और इसी तरह की जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है वो देखते हुए इंशाल्लाह हम जो है वो नजफ की तरफ निकल जाएंगे। हवा बहुत तेज़ हो गई है, अल्लाह खैर करे, खैरियत से हमारा अगला सफ़र गुजरे। रोड इन्होंने नई बनाई है यहाँ पे, बिल्कुल इसके साथ जो है वो एयर बेस है इनकी। ये इधर है जी प्रिजन, और मुझे बताया गया कि ये वो प्रिजन है जहाँ पे आइसिस के जो भी मुजरम जो इन्होंने उनके साथ मतलब आइसिस के लोगों को पकड़ के उन्होंने इस प्रिजन के अंदर दिया हुआ है। और यहाँ पे तकरीबन कोई हर 100 से लेके 200 मीटर के फासले पे कोई ना कोई पुलिस की गाड़ी ज़रूर खड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा उन्होंने ना यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। अभी मुझे कन्फर्म नहीं था कि ये क्या चीज़ है, एक तो साथ में एयरबेस भी है और दूसरा ये है प्रिजन। ये अभी हमने एक पुलिस वाले की गाड़ी पीछे गुजारी है और दूसरी ये खड़ी है। इसी तरह जब अगली रोड पे जाएंगे ना, जितनी भी छोटी छोटी सी रोड्स आ रही हैं ना, हर रोड के ऊपर वो खड़े हुए हैं। अब हम लोग नासरिया से बाहर आ गए हैं। चेक करें बस जरा कैसे वो दरख्तों को भी जो है ना झूले दे रही है। यहाँ पे जी अब आप मेरे आगे जो एक फोर्ड का बड़ा सा डाला देख रहे हैं, ये है जी पुलिस की गाड़ी जो कि एस्कॉर्ट कर रहे हैं इस रीजन में। मेरे साथ जो गाइड और बाकी वो ट्रेवल कर रहे थे कल जिनसे मैं मिला था, वो तकरीबन एक घंटा उन्होंने यहाँ पे इंतज़ार किया और उसके बाद आए। मैं थोड़ा सा लेट पीछे से आया हूँ तो उनको मैंने कैचअप कर लिया इधर ही ना। इसके पीछे पीछे हमने जाना है जी उराक की तरफ। क्या बला यार ये ट्रक जो है उसके साथ ये जो है ये टोयोटा के 4x4 देखो तो इतनी सी लग रही है, आखिरी चीज़ है वो। अभी मैं पहली बार उसके थोड़ा सा पास गया हूँ तो वह लगा यार ये क्या चीज़ है ये।
ये है जी एंट्रेंस। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ओ पाकिस्तान वेलकम। शुक्रन शुक्रन। ग्रुप ऑफ बाइकर्स ऑफ इराक। जी अभी हम लोग जा रहे हैं आगे जो मेन जगह देखने के लिए आए हैं। मैं सोच रहा था शायद यहाँ से पैदल जाना, तो नज़र मुझे कुछ नहीं आया। मैंने कहा पैदल जाना पड़ गया तो लग जाएगी, वाट लग जाएगी रास्ते का, नहीं मुझे पता। लेकिन एक ही ट्रैक इसके अंदर बना हुआ है। इसलिए अब हम जो है ना इनके पीछे नहीं रुकते, चाहे जितनी भी बड़ी गाड़ी हो जाए ना, ऑफ रोड बाइक जो है ना वो इनको जो है ना पास भी नहीं लगने देती। बड़े दिनों के बाद दोबारा जो है वो ऑफ राइड कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है इस ऑफ रोड का। तो वेलकम टू द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ये वो जगह है जहाँ पे पहली लिवेबल सिटी दुनिया की बनी थी, जहाँ पे तकरीबन कोई 60,000 के करीब लोग रहते थे। लेकिन इसकी वसिनिटी वगैरह के सारे एरिया को मिला के तकरीबन को 80,000 से 90,000 लोग रहते थे। 6,000 साल पुरानी सिटी है और ये वो जगह है जहाँ से पहली बार लिखाई जो लिखा जाता था वो लिखा गया था। उसके अलावा यहाँ पे ये सुमेरियन डायनेस्टी की ही सिटी थी। यहाँ पे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जी एक टेम्पल, जो सबसे बड़ा टेम्पल है, क्योंकि ये बहुत वास्ट एरिया है। कुछ जगह जो है ना वो खुदाई की गई है, तो वहाँ से जो है ये टेम्पल है। एक दूसरी एक और साइड पे है वो भी टेम्पल है, पैलेसेस वगैरह हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि इनकी कंस्ट्रक्शन किस टाइप की थी। सिमिलर जिस तरह मैंने उर्मी आपको बताया था, यहाँ पे क्ले की ईंटें हैं, उसमें जो है ना वही जो बिटुमेन है या एस्फाल्ट, बिटुमेन ही कहते हैं उसे आई थिंक, वो यूज़ किया गया, और साथ में बम्बू ट्री। यहाँ पे यूफ्रेटिस जो है ना इस एरिया से गुजरता था, लेकिन बाद में जब वो ड्राई हो गया था तो ये सिटी जो है ना खाली हो गई थी। मतलब शायद उसी वजह से, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से पहले की है। बाद में जब वो सैलाब आया था तो उससे ये सिटी जो है वो पूरी बिखर गई थी, और यहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स और इस तरह की चीज़ें निकाली गई हैं वो अभी मिलेंगी बगदाद म्यूज़ियम में, जिसको मैं इंशाल्लाह जाके विज़िट करूँगा और आपको वहाँ से दिखाऊँगा।